अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज उमर अकील अब्बासी फ्रॉम umaid.com। जैसा कि रियल एस्टेट के मुताबिक हम आपके साथ तफसीलन डिटेल्स आगाह करते रहते हैं, आज हम कोशिश करेंगे आम आवाम से ये सवाल करें कि वो रियल एस्टेट के बारे में क्या जानते हैं और अगर उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट हो तो वो इन्वेस्टमेंट वो कहाँ करना बेहतर समझेंगे। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि अगर इनके पास 1 करोड़ रुपए आ जाए तो उस 1 करोड़ का वो क्या करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जी बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताइएगा अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाता है तो आप क्या करेंगे उस 1 करोड़ का? जहरी बात है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत में जो भी मामलात होंगे तो वो कोशिश करूंगा वो करूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि आप इंसानों की खिदमत, मुसलमानों की खिदमत में? हाँ, इंसानियत की खिदमत। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। प्यार भाई, क्या नाम है आपका? असद महमूद। असद भाई, मुझे बताएं अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया हो तो आप उसका क्या करेंगे? जनाब महमूद, हम क्या करेंगे, कुछ कारोबार अपना सेटअप बनाएंगे, कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर लेंगे, घरेलू मामला सीधे हो जाएंगे, कुछ अपना छोटा मोटा रोजगार भी बन जाएगा। जबरदस्त, मतलब आपके कहने का मकसद यह है कुछ रोजगार में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। जी बिल्कुल, 50% कर लेंगे रोजगार में और 50% प्रॉपर्टी में। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा मुझे बताएं अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाए तो आप उसका क्या करेंगे? मैं 1 करोड़ को बिजनेस में लगाऊंगा, कोई जमीन खरीदूंगा, प्लाट खरीदूंगा और दूसरा घर शहर बना के उसे रेंट वगैरह पे दूंगा, बस ऐसे कुछ यूज करूंगा उसका। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा कि अगर आपने घर बनाना हो तो आप कौन सी सोसाइटी को प्रेफर करेंगे? सर सबसे पहले अभी आप गुलबर्ग में खड़े हैं तो मैं तो यहाँ पे रह भी रहा हूँ, मेरा ई ब्लॉक में घर भी है। ठीक है, और मैं गुलबर्ग को प्रेफर करूंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने रिहाइश के लिए घर बनाना हो? रिहाइश के लिए आप गुलबर्ग से अच्छी कोई जगह नहीं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मुझे अब ये बताएं अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाए तो आप उसका क्या करेंगे? प्लाट ले लूंगा या मैं घर ले लूंगा, बस। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे? जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा मुझे आप बताएं कि अगर आपको इस्लामाबाद में घर बनाना हो अपनी रिहाइश के लिए तो किस सोसाइटी में घर बनाना पसंद करेंगे आप? सर इस्लामाबाद में बड़े भाई जो है वो प्लाट देख रहे थे, काफी सारी सोसाइटी में विजिट भी किया इस्लामाबाद के, लेकिन फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो पसंद आ गई थी हमें, वहाँ हमने प्लाट लिया हुआ है और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 महीनों में वहाँ घर बनाने का काम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि लोगों के जो ज़्यादातर जो मौक़िफ़ है वो यही है कि वो रियल एस्टेट के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और मज़ीद इस हवाले से अगर आपको भी रियल एस्टेट के हवाले से कोई मालूमात या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस देखना है आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके ताउन और कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। umaid.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।